साल 2014 का वो वाक्य तो याद होगा जब पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से दहाड़ते हुए कहा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो वहीं इस नारे पर अयोध्या नगरी में बगावत छिड़ गई है। देखिए इस मामले पर क्या कुछ कहा पीएम मोदी को घेरते हुए अयोध्या के पंडित परमहंस ने। माननीय उच्चतम न्यायालय से हम लोग जो है बहुत आशान्वित थे कि आज से डे टू डे सुनवाई होगी और बहुत जल्दी इसका जो है फैसला आ जाएगा। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके जो है पक्ष में था, क्योंकि विवाद यहाँ कोई नहीं चाहता है, सब लोग चाहते हैं कि अमन से रहें, शांति से रहें, चैन से रहें, क्योंकि मौजूदा सरकार राम मंदिर को जो है फ्रंट पर रख करके और पूर्ण बहुमत में, अटल जी से अच्छे नेता मोदी जी नहीं हैं, लेकिन अटल जी जो है पूर्ण बहुमत में नहीं थे, मोदी जी पूर्ण बहुमत में इसलिए आ गए कि इन्होंने नारा दिया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और जब पूर्ण बहुमत में आ गए तो सब जगह विजिट किए, अयोध्या एक बार भी नहीं आए। इससे साफ सिद्ध है कि बीजेपी सरकार जो है केवल चाहती है कि हम जो है राम मंदिर का नारा दे करके और बार बार सत्ता में आते रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब एक महीने का मैंने समय दिया है, 6 दिसंबर के पहले यदि मौजूदा सरकार को न्याय देना है तो कानून बना के राम मंदिर का निर्माण शुरू करा दे, नहीं 6 दिसंबर से फिर मैं आमरण अनशन करूंगा। अब देखना ये होगा कि कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आता है, राम मंदिर के या फिर आस्था को लेकर के कोई बड़ा निर्णय निकलता है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।